बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही बड़े खुशखबरी पे खुशखबरी अपना ये गुरुकुलम लाते जा रहा है, और इसी कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। आप लोग को बहुत बड़े सौगात को लेकर के आए हैं। इसमें बच्चों, बिहार बोर्ड से पढ़ने वाले क्लास 9th के बच्चों का बिल्कुल फ्री बैच उपलब्ध कराया जा रहा है। ये हमारा बैच यूट्यूब पे, उसके साथ साथ हमारे अपना एप्लीकेशन जो है गुरुकुलम, दोनों जगह पूर्ण रूप से अवेलेबल रहेगा, दोनों जगह पूर्ण रूप से एक साथ लाइव क्लास चलेगा। लेकिन बच्चों, एक छोटी सी समस्या है। समस्या ये है कि जिस समय आप लाइव क्लास करेंगे, उस समय आपको यूट्यूब पे जो क्वेश्चन का आप कुछ कमेंट करेंगे, वो कमेंट का हम जवाब वहाँ पे नहीं दे पाएंगे। लाइव वहाँ पे दिखाएगा, कमेंट भी शो होगा, लेकिन हमारा जो कमेंट होगा वहाँ पे उस समय एट टाइम शो नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चों, आपको अपने एप्लीकेशन गुरुकुलम में आकर के वहाँ से आप लाइव करेंगे। बैच बिल्कुल फ्री है, चार्जेज कुछ नहीं है बच्चों, बिल्कुल फ्री है। इसलिए बच्चों, हमारा गुरुकुलम ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, और बच्चों अपने दोस्तों में जरूर बताएं कि एक गुरुकुलम वाले सर, नितेश सर ने लेकर के आए हैं क्लास 9th के लिए बहुत बड़े सौगात, जिसमें पूरी क्लास 9th का बैचेज फ्री उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें आपको लाइव क्लास देंगे, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास होगा, डाउट क्लास होगा, मंथली टेस्ट होगा, उसके साथ साथ बच्चों पीडीएफ नोट्स होगा, हैंड रिटन नोट्स होगा, और भी बहुत सारा फैसिलिटी आप लोग के बीच में उपलब्ध करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप सभी इस क्लास में जरूर से जरूर जुड़ें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। आइए बच्चों, क्लास में आगे की तरफ बढ़ते हैं, कहानी से प्रारंभ करते हैं। आप लोग का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बच्चों, एक राजा था। राजा के पास दो लड़के थे। कितने लड़के थे? एक राजा था, राजा के पास दो लड़का था। दोनों लड़का दिमाग का बड़े ही सातिर, बड़े ही सातिर, और दोनों में से कोई बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता था। एक राजा के पास दो लड़का, दोनों बड़े ही दिमाग का सातिर, और दोनों में से कोई पढ़ना नहीं चाहता था। राजा साहब सोच रहे थे, अगर हमारा लड़का पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो हमारा राज्य कौन चलाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही गजब का इनाम रखा कि जो व्यक्ति हमारे दोनों बच्चों को पूर्ण रूप से पढ़ा लिखा देगा, उसे हम बहुत आधा अपना राजपाठ दे देंगे। क्या देंगे? हम अपना आधा राजपाठ दे देंगे। पहला व्यक्ति आया, हाथ पकड़ के स्टार्ट कराया, बोलो बाबू ए बी सी डी ई एफ। अगला दिन से बच्चा समझ गया कि मास्टर पढ़ाने के लिए आता है, बैठता ही नहीं था। टीचर बोलते थे आओ बाबू बैठो, कह रहा नहीं सर अभी फुर्सत नहीं है, जा रहे हैं खेलने। अच्छा ठीक है, कल क्लास में कर लेना। फिर अगले दिन टीचर आए, आओ बाबू क्लास करो, तो नहीं सर भूख लगा हुआ, जा रहे हैं खाना खाने। इस प्रकार का बच्चों वो बच्चा था। फिर पहला टीचर से नहीं पढ़ पाया, दूसरा टीचर आया, उन्होंने पहले क्या किया, उसको पीटा, पहले पिटाई किया। तो बच्चा क्या हुआ, अगले दिन से टीचर से डर गया, टीचर से इतना दूरी बना लिया, इतना दूरी बना लिया कि टीचर को नजर भी नहीं आता था। इसी क्रम में एक बहुत ही अच्छे शिक्षक आए, उन्होंने क्या कहा, राजा साहब आपके हम दोनों बच्चे को पूर्ण रूप से पढ़ा करके तैयार कर देंगे, लेकिन शर्त है। तो क्या शर्त है? तो जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे करना होगा, जहां बच्चे को बोलेंगे आने के लिए वहां आने देना होगा, जो सामान बोलेंगे लाने के लिए वो सामान लाना होगा, जैसा व्यवस्था इसको चाहिए मन के अनुसार वैसा व्यवस्था बनाना होगा। राजा साहब बोले कि बिल्कुल घबराइए मत शिक्षक महोदय, आप पढ़ाइए, हम पूरा व्यवस्था करेंगे, हर तरह से आपको हम कॉपरेट करेंगे। एक दिन की बात है, टीचर ने क्या किया, दोनों बच्चे को लिया और
कहा चलो बाबू आज हम लोग बगीचे में गोली डंडा खेलेंगे। तो बोला कि चलिए सर, चलिए चलिए, अच्छा है, खेलेंगे, खूब खेलेंगे, चलिए। दोनों अपना क्या किया, गोली डंडा लिया, लाठी पहना लिया, लेकर के चल दिया कहाँ पे, राजा साहब के बगीचा में। बगीचा में गया, बड़े लड़का को कहा मारो आम पे, डंटल से मारो, डंटा से मारो आम पे, तोड़ो आम को। तो राजा साहब का लड़का है, चलाया डंटा, डंटा चलाया, आम गिरा। छोटे को कहा जाओ आम उठा करके लाओ, उठा करके ले आया, बताओ कितना है। एक दो तीन, भैया ने तीन आम तोड़ा, भैया ने तीन आम तोड़ा, भैया ने तीन आम तोड़ा, खूब जोर से बोला। अब फिर से बड़े भाई को बोला अब तीर चलाओ और देखते हैं कितना आम आता है। फिर तीर चलाया, दो आम गिरा। छोटा फिर गया लेकर के, आया आम, रखा, सर पूछे कितने आम टूटा, तो भैया ने दो आम तोड़ा, भैया ने दो आम तोड़ा, भैया ने दो आम तोड़ा। अब सर बोले बताओ कुल कितना आम। तो छोटा बच्चा समझ गया, बोल रहा है भागा हो भैया, मास्टर बा पढ़ावई छो। क्या बोला बच्चों, भागा हो भैया, ई मास्टर बा पढ़ावई छो। तो ऐसा ऐसा बच्चा निकलता है आज के समय में। पढ़ाई करने के लिए कहिएगा, पढ़ाई नहीं करेगा, रील्स दिखाइएगा, दिन रात देखेगा, मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, खाना छोड़ देता है, दोस्त से बात करने को मना कर दीजिए, घर पे आना छोड़ देता है। ऐसे ऐसे बच्चे से क्या उम्मीद रखाया जाए बच्चों। बच्चों कहानी आप ही लोगों से संबंधित है, कहने का हमारा ओवरऑल मतलब है कि आप वैसे ना करें, अभी आपका समय है ज्ञान को अर्जित करने का, और ये ज्ञान आगे चल करके किसी के सामने जब प्रस्तुत कीजिएगा तो मोटा रकम कमाइएगा। क्या कमाइएगा, मोटा रकम कमाइएगा, प्रचुर मात्रा में पैसा होगा, धन दौलत होगा, और ऐश आराम के साथ आपकी जिंदगी व्यतीत होगा। और जो बच्चों नहीं पढ़ता है उसका जिंदगी बहुत ही फटेहाल हो जाता है। आप देख लीजिए, एक डॉक्टर होता है, 2 मिनट आपका ट्रीटमेंट करता है, 500 रुपया चार्ज लेता है। और एक लेबर मैन होता है, गांव के लेबर मैन, 2 दिन वर्क करता है तब जाकर के 500 रुपया मिलता है। डॉक्टर फुल्ली एसी में बैठा हुआ है, खाने की सारा उपलब्ध व्यवस्था है, इधर से कमीशन आ रहा है, उधर से ओरिजिनल नंबर आ रहा है, उधर से डुप्लीकेट माल आ रहा है, टेबल के ऊपर से, टेबल के नीचे से, हर तरफ से आ रहा है, एसी में बैठा हुआ है। और लेबर दिन रात पसीना चुहाता है, दिन रात परिश्रम करता है, तब 2 दिन में उसको 500 रुपया देते हैं, वो भी कैश मिलेगा कि नहीं, या फिर 2-3 दिन बाद मिलेगा या 1 महीने बाद मिलेगा, लेबर को मालूम नहीं है। लेकिन डॉक्टर को पहले पेड कीजिए, पुर्जी बनेगा, फिर जाइए इलाज कराने के लिए। कहने का मतलब बच्चों है, दोनों में अंतर क्या चीज़ का, एक पढ़ा है और दूसरा नहीं पढ़ा है। तो बहुत बड़ा सौभाग्य मानिए बच्चों, आप सभी लोग पढ़ने के लिए इच्छुक हैं और सभी लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है बच्चों आप अपने साथ साथ हमारे गुरुकुलम का पूर्ण रूप से नाम रोशन करेंगे। इसी के लिए बच्चों गुरुकुलम ने आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री बैच लेकर के आया है। बच्चों आप लोग इस अवसर का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं, अपने लिए और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। आइए बच्चों टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं, अध्याय 4। क्या है बच्चों, अध्याय 4 चैप्टर का नाम है आपका नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति, बच्चों इसमें कुछ टर्म हुआ करता है जिसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन खींचते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, वर्टिकल
लाइन, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, हिंदी में बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। और दूसरा लाइन बच्चों ये होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, और हिंदी में बोलते हैं बच्चों क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे बोलिए बच्चों, क्षैतिज रेखा। दो प्रकार का लाइन हुआ, एक ऊपर से नीचे और दूसरा लेफ्ट से राइट। कुल मिलाकर के इस प्रकार का आपका पन्ना प्लेन, एक ऊपर से नीचे और दूसरा क्या चीज़, लेफ्ट से राइट। ये आपका इसी से संबंधित जितना भी जानकारी है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी व्यक्ति का घर होता है कहाँ पर रिप्रेजेंट होता है, ये सारा का सारा टर्म इस चैप्टर में पढ़ते हैं। आइए अब बच्चों, जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे बच्चों, एक्स अक्ष। और जो वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, एक को बोलेंगे बच्चों एक्स अक्ष और दूसरे को बोलेंगे बच्चों वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष को बच्चों क्या चीज कहते हैं हिंदी में, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो षड्भुज कहते हैं। और वाई अक्ष को बच्चों क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष को षड्कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कोटि कहते हैं। तो एक आपका भुज हुआ और दूसरा आपका बच्चों कोटि हुआ, ये कंसेप्ट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो दूसरा फिगर जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसको बच्चों बोलेंगे एक्स अक्ष और इसको बच्चों बोलेंगे वाई, सॉरी ऊपर से नीचे है, इसको वाई अक्ष बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्स अक्ष। ठीक ना, गलती हो गया, सॉरी। अब बच्चों ये जो है बिल्कुल सेम टू सेम नंबर लाइन जैसे होता है, जैसे आप सिक्स में पढ़े होइएगा नंबर लाइन, जिसको बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों, संख्या रेखा। संख्या रेखा में बच्चों ठीक बीच में जीरो होता है। क्या होता है, ठीक बीच में जीरो होता है। जैसे जैसे राइट तरफ बढ़ते जाएंगे तो इक्वल डिस्टेंस पे वन टू थ्री फोर फाइव, मतलब ये नंबर सब का सब नंबर प्लस में कि माइनस में बच्चों, तो सब का सब नंबर प्लस में होता है। नंबर आगे की तरफ बढ़ते जाएगा कि साइन में, प्लस साइन में। और बच्चों इधर की तरफ बढ़ेंगे तो नंबर क्या चीज में, तो इक्वल डिस्टेंस पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, इस प्रकार से बच्चों माइनस साइन में बढ़ते जाता है। कहने का मतलब बच्चों ओवरऑल ये हुआ, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे जी मिड पॉइंट से राइट तरफ बढ़ेंगे तो प्लस में नंबर होता है और लेफ्ट तरफ बढ़ेंगे तो माइनस में नंबर होता है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे रिप्रेजेंट करते हैं।
इसी प्रकार से बच्चों संख्या रेखा के जैसा ही एक्स अक्ष होता है, इधर को बोलते हैं एक्स और इधर को बोलते हैं एक्स डैश। क्या बोलेंगे बच्चों? एक तरफ को एक्स और दूसरे तरफ को एक्स डैश। जरा रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे बच्चों जीरो हुआ, ठीक, इक्वल डिस्टेंस पे वन टू थ्री फोर रिप्रेजेंट किए, मतलब ये सब का सब डाटा बच्चों प्लस में कि माइनस में? तो सर इस दिशा में आप चल रहे हैं तो प्लस में डाटा आया, ठीक है, प्लस में डाटा हमने पुट किया। अब बच्चों यहाँ पे जितना दूरी ये है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ होगा, तो ये हो गया माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, मतलब मिड पॉइंट से लेफ्ट तरफ बाएं तरफ बढ़ें तो सब का सब नंबर किस साइन में है बच्चों? तो माइनस साइन में है। सही है? सही है सर। अब बच्चों ये एक्स कहलाया, ये एक्स डैश कहलाया, दो पार्ट, जीरो है उससे राइट तरफ का नंबर पॉजिटिव में, लेफ्ट तरफ का नंबर है नेगेटिव में। और बच्चों सेम टू सेम कंडीशन होता है वाई अक्ष पे, ऊपर की तरफ वाई और नीचे की तरफ वाई डैश होता है। क्या होता है बच्चों? वाई डैश होता है। ऊपर की तरफ बढ़ेंगे बच्चों तो प्लस में होता है और नीचे की तरफ माइनस में। ऊपर की तरफ बढ़े तो बच्चों प्लस में और नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो माइनस में, ठीक है। अब बच्चों इक्वल डिस्टेंस पे वन टू थ्री फोर, नीचे की तरफ बढ़ेंगे बच्चों इक्वल डिस्टेंस पे माइनस वन, क्या होगा बच्चों? माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। सही है बच्चों। अब जरा देखिए ऊपर की तरफ बढ़े तो प्लस में, नीचे की तरफ बढ़े तो माइनस में। अब एक टर्म नोट कीजिए, एक दो तीन चार, दो लाइन आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट किया या ज्वाइंट हुआ, तो इसको चार पार्ट में बांटा, चार भाग में बांटा, इसको बोलते हैं प्रथम पाद। क्या बोलते हैं? पाद। बच्चों इसका मतलब होता है चतुर्थांश। क्या होता है? या फिर प्रथम चतुर्थांश भी बोलते हैं। दूसरा नाम इसका है प्रथम चतुर्थांश। क्या चाहिए बच्चों? प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद। इसी प्रकार से बच्चों इसका क्या नाम होगा? तो द्वितीय चतुर्थांश या फिर द्वितीय पाद। इसका नाम क्या होगा बच्चों? तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद। इसका नाम तो चतुर्थ चतुर्थांश या फिर चतुर्थ पाद। ये कंसेप्ट बच्चों क्लियर है? इतना को आप कॉपी पे नोट करें। इसके साथ साथ बच्चों एक और कंसेप्ट है, चाह रहे हैं उसको भी देते ही जाएं ताकि ज़्यादा इजी होगा। अब एक और टॉपिक समझ लीजिए बच्चों, ये लाइन है इस लाइन से इधर की तरफ और ये लाइन है इस लाइन से ऊपर की तरफ, ठीक है, इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से इधर, जितना भी नंबर होगा उसका साइन क्या चीज होगा? सपोज डैट बच्चों यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर है। क्या चाहिए बच्चों? कोई नंबर है। अब यहाँ पे जाने के लिए पहले x में दूरी तय करते हैं फिर y में,
सपोज डैट ये लाइन और लंबा है, ठीक है, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6। ध्यान से टॉपिक समझिएगा, टॉपिक थोड़ा गंभीर है बाबू। देखिए अब आपको यहां पे जाना है, जब भी चलना होता है तो 0 माइल से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं बच्चों? जब भी चलना होता है तो 0 माइल से चलते हैं, और 0 माइल को मैथ की भाषा में मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? तो इस पॉइंट पे हम खड़ा हो गए हैं, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना? तो बच्चों देखिए, अगर इधर जाते हैं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, ठीक। इधर -1, -2, -3, -4, लेकिन यहाँ पे कितना बच्चों? तो इधर -1, इधर +1, बीच में तो सर 0 है। तो x का निर्देशांक कितना हो गया बच्चों? 0। उसी प्रकार से बच्चों कोऑर्डिनेट जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो दो टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। तो पहले एक्स अक्ष का लिख लिए हैं, अब वाई अक्ष में बात करते हैं कितना पे हैं। तो यहाँ पे बढ़ेंगे तो +1, +2, +3, ऊपर बढ़ेंगे तो और, नीचे बढ़ेंगे तो -1, -2, -3। तो बच्चों बताइए जरा बीच में क्या होगा? तो सर बीच में 0 होगा, -1, +1 के बीच में 0। तो यहाँ भी एक्स के साथ साथ वाई भी 0 आया, मतलब मूल बिंदु का 0 0 निर्देशांक होता है। टॉपिक नोट कर लीजिए, मूल बिंदु का 0 0 निर्देशांक होता है, ठीक। अब बाबू कुछ टॉपिक है विद्यार्थी महोदय, जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमको जाना है भोज खाने। क्या खाने? भोज खाने के लिए चलना है। हमने चलना 0 माइल से प्रारंभ किया, और जब भी बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति में चलते हैं तो पहले एक्स में दूरी तय करते हैं, फिर वाई में करते हैं। तो एक्स में चलना प्रारंभ किए हैं, 1 टिक 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 टिक, यहाँ पे पहुँच गए। अब इसके सामने आपका दरवाजा है जहाँ पे बारात में पहुँचना है भोज के लिए। अब बच्चों जरा आप बताइए कि यहाँ से जो चले इस दिशा में, तो ये हम प्लस दूरी में चल रहे हैं कि माइनस दूरी में? तो इधर की तरफ चलेंगे तो एक्स प्लस में, और इधर की तरफ जाते तो माइनस में। तो ये जो पॉइंट हुआ, इसमें एक्स में जो दूरी तय करेंगे उसका साइन क्या होगा? तो प्लस। सही है। अब बच्चों यहाँ से ऊपर की तरफ चलें तो इस लाइन से ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो ऊपर की तरफ वाई प्लस में कि माइनस में? तो प्लस में सर। मतलब ये कि जितना भी पॉइंट वाई एक्स अक्ष से ऊपर की तरफ होगा वो प्लस में, और नीचे की तरफ होगा वो माइनस में। तो यहाँ पे फिलहाल बच्चों वाई में जो दूरी तय करेंगे वह दूरी प्लस में कि माइनस में? तो प्लस में। ये बच्चों प्लस प्लस निर्देशांक हो गया, या फिर नियामक चिन्ह कहलाएगा। किसका? प्रथम पाद का। प्रथम पाद का चिन्ह होता है तो क्या हो गया बच्चों? प्लस प्लस। अब इसी प्रकार से बच्चों मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, अब चलेंगे तो एक्स में चलेंगे तो प्लस में कि माइनस में? तो माइनस में। और वाई में चलेंगे तो ऊपर की तरफ तो प्लस में। मतलब द्वितीय पाद का चिन्ह होता है माइनस प्लस। तृतीय पाद का चिन्ह बच्चों क्या होगा? तो इधर माइनस में और नीचे की तरफ तो माइनस में। तो माइनस और माइनस साइन किसका हो गया? तृतीय पाद का। और चतुर्थ पाद का बच्चों निकालेंगे तो एक्स इधर और वाई इधर, तो पहले एक्स वाला लिखते हैं तो एक्स प्लस में,
और फिर वाई तो वाई माइनस में, तो ये चतुर्थ पद का साइन हुआ। ये बच्चों इतना कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में और इस सब से जुड़े हुए विभिन्न टर्म को पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को इतना ही पे स्थगित करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।